एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं सुबह के 10 और आवाज़ जो है ना हमारी सुबह की थोड़ी सी स्लो होती है। मंडे मॉर्निंग्स हमेशा ऐसी होते हैं, मैं खुद भी चाह रही हूँ कि किसी ना किसी तरीके से जाग जाऊँ। हो जाएगा, अब थोड़ी सी और एनर्जी आएगी हमारे शो में क्योंकि हमारी प्यारी सी फौजिया आप यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? बस अनुषा, आज तो नींद पीछा नहीं छोड़ी। नहीं पीछा छोड़ी फौजिया, अभी आंखें ऐसी हो गई, शो ऐसे हो रहा है, क्या हो गया? बस मेरी तो वैसी छोटियाँ और भी बंद होती चली जा रही हैं। लेकिन ये क्या कोई प्रॉब्लम है? मौसम है? नहीं, शायद मौसम चेंज हो रहा है, उसका बहुत दिनों से मैं सुबह बखैर कह ही नहीं पाती। क्या प्रॉब्लम है? बस आपसे बातें करने में भूल जाती हूँ, सुबह बखैर नहीं कर रही। देखे वेल फौजिया, आज हम थोड़ा सा जो डिस्कशन कर रहे हैं वो है तालीम की अहमियत के बारे में, तालीम कितना अहम है एक तो और लड़कियों के लिए हमारे माशरे में, क्योंकि हम अपनी लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाते लिखाते नहीं हैं। नहीं, तालीम तो है ना, क्योंकि हमारे मजहब में भी यही है कि मर्द औरत दोनों के लिए तालीम हासिल करना बराबर और ज़रूरी है। और उसके अलावा तालीम, मैं तो समझती हूँ, मर्दों से ज़्यादा औरतों के लिए तालीम हासिल ज़्यादा ज़रूरी है। वाकई में मुझे भी हमेशा ये लगता है। हाँ नहीं, है हकीकतन भी यही है जी। आप देखें, अगर मर्द किसी एक फील्ड में अपने आप को प्रोफेशनल बना लें तो उनका मकसद सिर्फ पैसे ही कमाना है, पैसा कमाना है, वो उसी चीज को कर ले। लेकिन औरत के पास कितने शोबे? बिल्कुल, घर चलाना, बच्चों को देखना, बच्चों की साइकोलॉजी, नफ्सियात को समझना, बच्चों की गुफ्तगू को सही करना, हर चीज, हर शोबा तो औरत के लिए। तो औरत को चार महाजों पे लड़ना है। बिल्कुल, मर्द को सिर्फ एक महाज है, उसको कमा के घर में लाना है। बिल्कुल, बाकी तो औरतों के लिए तालीम बेहद जरूरी है और औरतें ज्यादा तालीम याफ्ता होनी चाहिए। डन, औरतें ज़्यादा तालीम याफ्ता होनी चाहिए, क्या कहते हैं आप इसके बारे में? हमें कॉल करके ज़रूर बताइए। फौजी आप क्या बता रही हैं आज भाई? आज मैं ये बता रही हूँ। अच्छा, एनी की कॉल आ गई। पहले बताने से पहले मैंने कट कर दिया, सो सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं, एनी की कॉल है। नहीं, एनी की तो कॉल, एनी की कॉल तो लेनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, मैं ठीक हूँ। आज नींद आ रही है थोड़ी सी, ज्यादा नहीं आएगी। हम आ चुके, अब आ गए, बस चाय भी मंगवा ली मैंने, जल्दी से चाय पी रही हूँ। क्या हाल है बताइए? बिल्कुल ठीक हो सीता, रब की शुक्र गुजारी जिसने एक और दिन अता कर, अल्लाह का शुक्र जी। यानी तालीम कितना जरूरी है भाई? बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, अगर आप तालीम याफ्ता फिर माँ होगी तो आगे से अच्छी नस्ल चलेगी और पाकिस्तान तरक्की करेगा, बल्कि पूरी दुनिया को चाहिए कि खवातीन की तालीम पे बहुत जोर दिया जाए। हमारे यहाँ ज्यादातर तो नहीं लोग पढ़े लिखे जाके जातों में, कितने लोग ना तालीम से महरूम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और खाली लड़की ही नहीं, मेरे नजदीक लड़के के लिए, लड़कों के लिए तालीम बहुत जरूरी है, किसी के लिए भी। अब दुनिया में अगर आपने कुछ काम करना है तो फिर तालीम तो बहुत ज्यादा जरूरी है जी। यानी फौजी आप इसे कुछ पूछेंगी, कुछ कहेंगी? हाँ जरूर, आपके खातिर आई हूं जी। वालेकुम सलाम, कैसी है? नहीं आप बिल्कुल ठीक, उसी तरह आपने सुन ही लिया, मैंने सुन लिया। बस आपको कह कह के मैं भी हर बात पे शुक्र अदा करती हूँ। देखिए, इंसान एक दूसरे से कितना सीखता है जी, बड़ा नवाज देगा मौला। बिल्कुल जी। अच्छा, तो फौजिया भी आज मैं ये कहना चाहूंगी कि वैसे तो आपसे भी टिप पूछूंगी, अगर कहें तो मैं भी एक टिप बता दूं। बिल्कुल बिल्कुल, आज आप बताएं। ये जो गर्मियां शुरू हो रही हैं, इसमें बहुत पसीना तंग करेगा। बिल्कुल करेगा। तो और फिर जाहिर बात है, एक दूसरे से लोग घबराते भी हैं, वो इसमें लाने लग जाती है। हाँ, वो तो बहुत बुरी लगती है, सही बात है। मेरे पास एक टिप है कि आजमाई हुई है कि जैसे आपने शावर बात ली है तो फिर ना एक टब या बाल्टी में पानी लेके उसमें फटकरी डालते हैं। हाँ, फटकरी। अच्छा, हाँ। पानी अपने ऊपर ले तो फिर ना आपको सारे दिन पसीना नहीं आएगा, ड्राई हो जाएगी। अच्छा, पूरे जिस्म पे डालनी? हाँ। बालों में नहीं डालें, बॉडी पे डालने। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वैसे आप भी बताइएगा फौजिया, आप भी कोई? बिल्कुल। हाँ। नहीं, बहुत अच्छी चीज बताई, बल्कि लोग सुन ही रहे हैं, तो ये तो बहुत आसान चीज बताई आपने, बहुत अच्छी बात बताई। जी आप कहो तो आज मैं tohfa.com में आऊँ। आइए ना, दोबारा ट्राई कीजिएगा 15 मिनट में। ठीक है, ओके, आप भी ऑल राइट, अल्लाह हाफिज। फिटकरी वाला एक्सपेरिमेंट अच्छा, मैंने इस बारे में पहले भी सुना है। हाँ। और कोई कोई लोग तो उन्होंने कहा फिटकरी पानी में डाल के आप नहा लें जो फाइनल। हाँ। आप जो, मैंने तो ये भी सुना है कि लोग फिटकरी उठा के नहीं शुरू कर ले। नहीं, फिटकरी तो मैं पहले शायद बता चुकी हूँ पहले ही कि फिटकरी को पीस के आप वॉशरूम में उसमें रख लें, जार में रख लें, छोटी सी किसी बोतल में पीस के रख लें आप, बिल्कुल बारीक पीस के सिल पे या ग्राइंडर में पीस के रख लें। उसके बाद नहाने के बाद आप अपने अंडर आर्म्स वगैरह में उसको यूज कर सकते हैं। एक तो वो जरासीम कश भी है,
जरासीम कश्मीर और ये पसीने वाली बात तो इन्होंने और अच्छी बताई, और अच्छी की है, तो ये सब लोग करें तो जाहिर सी बात है इंसान के पास खुशबू आए इससे अच्छी क्या बात है। क्या बात है। एम यूसुफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए क्या हाल है सर, कैसे हैं? बढ़िया बहन, छोटी मेरी कैसी है? अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छी। अच्छा आपसे आज एक सवाल थोड़ा सा, जो अनुशे साहब ने पूरा इंट्रोडक्शन दिया था ना जी, तो तालीम पे थोड़ी सी बड़ी अच्छी बातें कर रही थी जी, जी। तो इस मौजू पे आपसे कुछ कहलवाना चाहूंगा कि आजकल तालीम जो है अब हमारे यहाँ चार किस्म का, एक तो मतलब जहाँ फीस भी नहीं है और खाना भी फ्री मिलता है बिल्कुल, लेकिन उनका क्या असर होता है बेचारों का ये पता है जी। एक है पीले काले स्कूल जिसमें तालीम नाम की नहीं है, फिर उसके बाद झंडे वाले स्कूल है गवर्नमेंट वाले, नॉमिनल फीस है और अपना वो नाम करते हैं, एक है बहुत हाई स्टैंडर्ड, तो आजकल लोगों का फैशन बन गया कैम्ब्रिज स्टैंडर्ड में दाखिल कराते हैं जी। और वहाँ मैंने ये देखा है मेरे अपने पोते नवासा नवासी पढ़ते हैं, तो वो सिवाय इंग्लिश बोलने के कोई चीज नहीं है, और बड़ों छोटों का अदब कुछ नहीं सिखाया जाता। सही सही है बिल्कुल। टीवी पर मैं कह भी नहीं सकता, इतना गलत माहौल है वहाँ का। तो अब आप ही से ये दरख्वास्त है कि बंदा करे तो क्या करे। सही बिल्कुल ठीक, सही है, रोशनी डाले तो बड़ी मेहरबानी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, बहुत अच्छा सवाल किया उन्होंने, बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा पॉइंट दिया, क्योंकि जहाँ अच्छी तालीम ले रहे होते हैं, एजुकेशन जहाँ एक्सपेंसिव हो जाती है, कैम्ब्रिज स्कूल्स होती हैं, वहाँ पे ये मसले मसाइल जरूर होते हैं कि बच्चे जो है। तो अनुषा मैं ये कहूँगी कि अपने माँ बाप अपने बच्चों के जहन पर देते हैं कम क्लास ओ लेवल बच्चे के पास आईपैड नहीं होना चाहिए, आईपैड नहीं होना चाहिए। आप अफोर्ड कर सकते हैं 1 लाख का, लेकिन आप अपने बच्चे को आईपैड नहीं दिलाएं जब तक वो प्रोफेशनल एजुकेशन में ना आ जाए। इसमें आपकी कोई शान नहीं घटती, आपके बच्चे पास दूसरे बच्चे लेके घूम रहे होते हैं ना, ये आपके बच्चे को स्कूल को ये लॉ करना चाहिए, स्कूल में आईपैड को लाएं, स्कूल को नहीं आईपैड को, पहले पेरेंट्स को कहूंगी, बाद में टीचर्स को अलाउ नहीं करना चाहिए कि स्कूल में आईपैड आए, और मोबाइल्स भी नहीं अलाउ होने चाहिए, और अगर बच्चे मोबाइल लाते हैं तो अपनी जिम्मेदारी पे उसको बंद करके बैग में रखें, बैग में रखें, स्कूल में अलाउ नहीं होना चाहिए कि नहीं, उस पर फाइन लगाएं आप लोग। इसलिए ये सब चीजें बच्चों को ज़हनी तौर पे बिल्कुल स्पॉइल कर रही हैं, कुछ नहीं दे रही हैं सब चीज़ें इंसान को। और दूसरी बात ये कि जो बच्चे एजुकेशन में नहीं लें लेकिन उन्हें बस हाय हुई ड्रेसिंग सीख ली, लिबास सीख लिया, उठना बैठना सीख लिया, तमीज नहीं सीखी, तमीज नहीं सीखी, उनको बड़ों का अदब करना नहीं आता, कुछ नहीं आता, ये बड़ा प्रॉब्लम है। देखें अपनी शख्सियत को पैसे के जोर पे नहीं बनाएं, तालीम के जोर पे बनाएं अपनी शख्सियत को। अच्छा, लेकिन इन स्कूल से ही हमारे वो ए लेवल्स के बच्चे जो है वो एज लेकर निकलते हैं बाहर। देखिए वो प्रॉब्लम ये है, आप जो बच्चे ए लेवल्स के लेते हैं 4 पॉइंट सब पॉइंट्स पूरे लेते हैं, उनके पीछे बैकग्राउंड में जाएं आप कि उनके पेरेंट्स क्या हैं। अरबी अदी मैं कह रही थी सर, ये कहने की कोशिश ये थी कि घर का माहौल और स्कूल का माहौल फिर क्या कर सकते हैं, अगर स्कूल में ये चीजें नहीं सिखाई जाती तो घर घर में ज्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि ये चीजें फिर माँ सिखाए घर में। मैंने देखा है अनुषे कि इतना माशाल्लाह बास पैसे वाले लोग होते हैं पेरेंट्स के, वो चाहे तो उनको गोल्ड का आईपैड भी दिला सकते हैं, लेकिन कहते नो ये अलाउ नहीं है, अगर आपने ले लिया, घर में ऐसे ही होता था, आपने अगर ये ले लिया तो उसको घर में यूज होगा नहीं जाएगा, मोबाइल भी नहीं जाएगा। और बाद मैंने देखा कि मतलब अच्छा खा पी रहे हैं लेकिन वो बच्चे को इतनी महंगी चीजें दिला रहे हैं कि लोग देख के हैरत में पड़ गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि आजकल वो भी हो गया ना, जहाँ हमारे हाई क्लास जो है या अमीर दादे जितने हैं हमारे, उनके यहाँ एक बच्चा होता है या दो होते हैं, जबकि वो अफोर्ड कर सकते हैं 5-6, लेकिन फिर उनके साथ जो वो करते हैं बचपन से, हमारा एक ही बेटा है बस, एक बेटे को तो हम 16 साल का हुआ तो मर्सिडीज दिला दी, 12 साल का तो रोलेक्स दिला दी, नहीं नहीं। और अब ऐसा बच्चा छोड़ के जाए जो माशरे में अच्छी बात फैलाए, जो माशरे को तंग ना कर दे, ऐसा बच्चा नहीं छोड़ के जाए। और एक और बच्चे या 10 बच्चे हो, सब पे निगाह रखनी चाहिए, निगाह रखनी चाहिए, उतना ही ध्यान देना चाहिए, प्लीज चीजों को प्रमोट नहीं करें, इंसान के दिमाग को और इंसान की शख्सियत को और उसकी तालीम को प्रमोट करें, चीजें जो हमने बनाई हैं, चीजों ने हमें नहीं बनाया। वाकई वाह, क्या बात की फौजी, आपकी बहुत सारी तालियां हो जाए, मंडे मॉर्निंग को जगा दिया है, गला भी खराब हो रहा है, अच्छा टाइम है ब्रेक लेने का। ब्रेक लेने से पहले एक अजीब गरीब सा एक क्या है ये सब्जी है, नहीं अनुषा मैं बताना चाहूंगी, दिखाएंगी जरा एक सेकंड आप देखिए। हाँ, इसको मैं चाहूंगी कि अफजल भाई इसको फोकस करें, अफजल भाई इस पे जरा फोकस करें, और इससे मजीद ब्रेक के बाद जो हम बात भी करेंगे, इसको डिस्कस भी करते हैं, इसको फोकस भी करें। खाऊंगी तो क्या होगा अनुषा, हशर ही हो जाएगा, हशर ही हो जाएगा, तो हशर तो नहीं कराना नहीं, नहीं, लेकिन देखिए जरूरतमंद खाते हैं, इसमें कोई स्मेल नहीं है, नहीं स्मेल नहीं, एक जरा स्मेल नहीं, नहीं, ये नहीं। क्या चीज है ये सब पता होगा, लेकिन इस छोरे से बैक करा दीजिए जो है।